वस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम का अर्थ है जो भगवान सबको जीवन देता है, जो सारे जगत को बनाने वाला, चलाने वाला और अंत में सबको अपने भीतर मिटाने वाला, समाने वाला है। भू का अर्थ होता है ओम, भूर भुवः स्वः बोलते हैं। भू का अर्थ होता है जो प्राण देता है, श्वास देता है। भुवः का अर्थ है जो भगवान हमारे सारे दुख दूर करता है। और स्वः का अर्थ है जो भगवान हमें सब सुख प्राप्त कराता है, ये शरीर, ये घर, ये परिवार, ये सारा संसार, जिन चीजों से हमें सुख मिलता है, खाने पीने से सुख मिलता है, जमीन का एक कण, मिट्टी का एक कण, कोई एक इंच जमीन या कोई भी एक, जिनसे हमें सुख मिलता है वो पेड़ पौधे, साग सब्जियां, फल अन्न, कोई किसी इंसान ने नहीं बनाए। सबके बीज किसने बनाए? भगवान ने बनाए। सारे सुख देने वाले, खाने पीने का सुख, देखने का सुख, सुनने का सुख, घर परिवार का सुख, संसार के जितने भी सुख हैं सब भगवान देने वाला है। इसका मतलब स्वः, स्वः कहते हैं सुख को, सुख देने वाला भगवान। तत् सवितुर, वो जो सविता है माने सारे जगत का बनाने वाला। सविता का अर्थ होता है बनाने वाला, रचना करने वाला, क्रिएटर। तो सारे जगत का बनाने वाला भगवान तू ही है। तेरा हमने वर्ण किया है, हम एक छोटा सा भजन गाते हैं ना, भगवान जैसा कोई नहीं, वो तो जहान में सबसे बड़ा है। मात पिता बंधु व सखा, सारे जग का आधार वही, दातार वही, करतार वही, भरतार वही, दुखी भी सहारों का भी तू ही आसरा है। जब सब रिश्तेदार छोड़कर प्यार अकेले में छोड़ देते हैं, जब सारी दुनिया, तो भगवान ही हमें संभालता है। तो भगवान तेरा हमने वरण किया है। देखो सब में ताकत है, लेकिन भगवान की एक शक्ति से सारी दुनिया पल में नष्ट हो जाती है। इसलिए सबसे बलवान कौन? भगवान। सबसे धनवान कौन? भगवान। ये आदमी तो थोड़ी बहुत जमीन जायदाद का मालिक हो जाता है, कोई कितना ही बड़ा हो, लेकिन भगवान की संपत्ति, भगवान के ऐश्वर्य के सामने तो कुछ को टिकता ही नहीं। तो भगवान से ज्यादा कोई धनवान नहीं, भगवान से ज्यादा कोई बलवान नहीं, भगवान से ज्यादा कोई ज्ञानवान, विद्वान, महान नहीं। ये तो छोटे छोटे मुल्कों के कोई प्रधानमंत्री, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट आदि बने हुए हैं। जो सारी कायनात का मालिक है वो तो परमपिता परमात्मा है, और उसका हमने वरण किया। माने प्रभु हम तेरा वरण करते हैं। तत् सवितुर वरेण्यम, उसको एक्सेप्ट करना, उसको वरण करना, उसको स्वीकार करना। भर्गः, प्रभु आप हमारे भस्म कर दो सारे दोषों को, दुखों को। देवस्य धीमहि, प्रभु आपकी जो दिव्यता है उसको हम धारण करें। भगवान का दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम, भगवान की दिव्य शक्ति, दिव्य सुख शांति, उसको हम धारण करें। देवस्य धीमहि, भगवान की दिव्यता को धारण करें। धिया माने कहते हैं बुद्धियों को, यह माने परमात्मा, न हमारी प्रचोदयात, अच्छे रास्ते पर चले भगवान, हमारी बुद्धि सही रास्ते पर चलती रहे। कहते हैं ना, जब आदमी का दिमाग, आदमी की बुद्धि सही दिशा में चलती रहती है तो सब कुछ ठीक है, और आदमी का दिमाग फिर जाए फिर कुछ बचा ही नहीं। इसलिए ये प्रार्थना हम गायत्री मंत्र में करते हैं। और शांति 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 का तीन अर्थ होता है। एक तो यहां शांति रहे हमारे दिमाग में, नहीं तो बोतलों के खोपड़े में आग लगी रहे हमेशा। और यूं आपस में भी बोले मेरे दिमाग बहुत गर्म है यहां, तो एक तो यहां शांति रहे। तीन बार शांति ही शांति ही शांति तीन बार बोलते हैं ना, एक तो यहां शांति रहे, दूसरा एक तो दिमाग में शांति रहे, दूसरा दिल में शांति रहे। बहुतों का भी दिल दीवाना है, दिन पागल है, पता नहीं क्या क्या गाते रहते हैं। और फिर इस पागल आदमी का क्या भरोसा, कब क्या करते। तो यहां शांति रहे दिमाग में, दिल में शांति रहे, और तीसरी आदमी के कर्म, कर्मों में भी शांति रहे। नहीं आदमी पता नहीं कौन सा कर्म कर दे, क्या हो जाएगा। तीन बार शांति शांति बोलते हैं। फिर इसका एक अर्थ है द्युलोक, दूसरा अर्थ अंतरिक्ष लोक, तीसरा पृथ्वी लोक, तीनों में शांति रहे। आज गायत्री मंत्र के साथ हमने प्रार्थना की, और 25 वर्ष पहले यद्यपि हमने सेवा शुरू कर दी थी 1993 में,
लेकिन 5 जनवरी 1995 में पहला ट्रस्ट बना अपना, आज अपने संस्था का स्थापना दिवस है। इसके लिए सभी पतंजलि परिवार के भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और कुछ 25 वर्ष पहले से हमको जानते हैं, खास करके देश में तो थोड़ी दिक्कत है, वहां तो कुछ मुझे 15 सालों से जानते हैं, कुछ 20 सालों से, कुछ 24-25 सालों से भी सूरत आदि जगह जहां मैं शुरू से हम जाते रहे असम आदि में। लेकिन यहां तो हरिद्वार वाले तो हमें सबके सब 25 वर्षों से जानते हैं, लेकिन थम्मे से तो गणे तो पैदा ही ना हुए थे तब। कितने ऐसे हैं जिनकी उम्र 25 साल से कम है, जरा हाथ उठाइयो, हाथ उठाओ जरा, पता तो लगे हमको भी। तो जरा इनके लिए जोरदार ताली बजाओ, थारे धरती पाने से पहले हम यहां शुरू कर चुके थे काम। और इन 25 वर्षों में और संस्था का 23 वर्षों में हम ट्रस्ट को भी माने तो जो पतंजलि ने काम किया, आज तक दुनिया के ज्ञात इतिहास में किसी संस्था ने इतना बड़ा काम नहीं किया, इसके ऊपर आपको फक्र होना चाहिए, गौरव होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए। पूज्य आचार्य जी सुबह बता रहे थे कनखल की वही गलियां हैं जिनसे हम आज भी गुजरते हैं, वही घने दुकानदार हैं जहां से हम नमक मिर्च लाया करते हैं। हाँ, जो है इधर एक वो जिज्ञासु जी हुआ करते थे, उनके नीचे जो है दुकान, एक तो रामनाथ की दुकान थी और एक उसके सामने एक और था, ये दो तीन वहां से फिर सब्जी मंडी से अपने। पहले तो हमारे पास में कोई साधन नहीं था, साइकिल भी नहीं थी हमारे पास, फिर साइकिल ली, फिर साइकिल हमको ये जो एक पैडल पे पैर रख के फिर पीछे से पैर यूं उठा के रखते हैं ना, वो हमको आज तक भी नहीं रखना था, हम तो एक पैर इधर रख लिया, एक इधर रख लिया और बीच में गद्दी पे बैठे और साइकिल चालू। ऐसे आज भी हमको साइकिल, अभी भी मैं चलाता हूं कभी कभी तो ऐसे ही चलाता हूं, हमको साइकिल भी नहीं चलानी आती थी, लेकिन दोनों तरफ पैर रखे पैडल मारा चल गई। हमने एक ही दिन ऐसे स्कूटर रखा था, वो चलाया वो भी चल गया, गाड़ी रखी थी जब गाड़ी आई तो वो चलाई तो वो भी चल गई, एक दिन ट्रैक्टर चलाया तो वो भी चल गया, बस अब हवाई जहाज बाकी रहा, उसमें पायलट है घने। वैसे वो भी कोई कठिन काम नहीं, वो भी 6 महीने की जो भी ट्रेनिंग वो पूरा करके वो भी चला लो, कोई बड़ा काम थोड़ी है ये। तो हम खुद सब्जी मंडी में जाकर के सब्जी लाया करते हैं, क्योंकि बाजार से सब्जी खरो तो दुगनी मिले, हमारे पास पैसे ही नहीं थे इतने। हमारे पास में जो शुरू में सेवा करते थे उनको 500 से 700 रुपए देने के लिए हुआ करते थे महीने के, 5-7 हजार नहीं, कितने, 500 से 700। उसमें भी जो है 2-3 बच्चे वहां सेवा के लिए रहा करते थे, पहले तो हम और आचार्य जी खुद ही करते थे, अपना एक वो मिट्टी का तेल बोलते ना, उसका स्टोव होता था, गुरु जी ने ले रखा था और उसमें ऐसे हवा सी भर भरा करके पंप से मार के और फिर उसके ऊपर रोटी पकाया करते। मेरे को रोटी बेलने नहीं आते, आचार्य जी बड़ी गोल गोल बना लेते हैं बढ़िया। हमको दो चीजें बढ़िया आती है, एक तो खिचड़ी बनानी बहुत अच्छी आती है और एक हलवा बनाना बहुत अच्छा आता है, तो ये हम बना दिया करते। फिर हाँ, ये जो पाक आदि विद्या है ये पता नहीं हमको आती है पहले से ही, हमने गुरुकुल में सीखी थी, तो च्यवनप्राश बादाम पाक ये सारे कार्यक्रम खूब सीखे। फिर जो है ये कार्यक्रम हमने बाद में फिर भरत जी को ट्रांसफर कर दिया था डिपार्टमेंट, फिर वो एक जो प्रदीप वैद्य आजकल पता नहीं कौन से डिपार्टमेंट में है डी ब्लॉक में, उसको सिखाया, फिर भस्मादि बनाना और जो है पाक आदि बनाना, फिर तो अब तो बहुत बड़ी फौज तैयार हो गई है, हमने अपने हाथों से सारे काम किए। तो आज इन 25 वर्षों में चाहे कनखल की सड़कें बहुत ज़्यादा ना बदली हों, ज्वालापुर भी बहुत ज़्यादा ना बदला हो, चाहे सब्जी मंडी में तो गए हुए हमें आज 20 साल से ज़्यादा हो गए, जो है वो जब पतंजलि जाते हैं तो बाई तरफ दिखाई देता है तो याद आ जाती है, हम लोग इतना लाया करते हैं सब 6-7 दिन की सब्जी ले आते थे, क्योंकि वो 1-1, 2-2 रुपए किलो मिला करती सब्जी मंडी में, बाजार से खरीद रहे हैं तो 8-10 रुपए किलो मिले, तो इस तरह से हम लोग बसों में बैठ के यात्रा किया करते थे, क्योंकि
जो है अपना सब कोई साधन था नहीं, दूर जाना होता था तो ट्रेन में, और ट्रेन में भी रिजर्वेशन करवाते तो 10-20 रुपए ज्यादा लगा करते, तो बिना रिजर्वेशन के ही चला करते। यहां से चल करके आज मैं एक बात कहता हूं, दुनिया के 700 करोड़ लोगों में आधी से ज्यादा दुनिया की आबादी स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को जानती है, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि किसी ने किसी के साथ पतंजलि ने या स्वामी रामदेव या आचार्य बालकृष्ण ने किसी के साथ बेईमानी की हो, किसी के साथ गलत काम किया हो। यह है ईमानदारी। हमसे करोड़ों लोग प्यार करते हैं पूरी दुनिया में, लेकिन हमारे शत्रु भी बड़े खतरनाक हैं। बल्ला दो किसी को भी खड़ा कर दो माई के लाल को यूं कह दे कि मेरा 1 रुपया पतंजलि ने जो है या स्वामी रामदेव ने आचार्य बालकृष्ण ने मार लिया, भाई कोई बेईमानी कर देना। तो सबसे बड़ी चीज है जिंदगी में ईमानदारी। क्या है सबसे बड़ी चीज जिंदगी में? ईमानदारी आदमी को नहीं कभी भी खोनी चाहिए अपनी। दूसरी चीज जिम्मेदारी, कि जो काम हाथ में लिया जब तक उसको पूरा ना कर दो तब तक चैन से नहीं बैठना चाहिए। कुछ लोग ना टाइम देखते रहते, मेरा तो 5:30 बज गए, अब हमने तो घड़ी नहीं रखी, टाइम देखना ही नहीं। 9 साल की उम्र से आज तक तब से हमने व्रत लिया था कि हमें पुरुषार्थ ही हमारा धर्म है, पुरुषार्थ ही जीवन है, कर्म ही हमारा धर्म है, कर्म ही हमारा जीवन है। तब से हमने पीछे मुड़ करके नहीं देखा और बचपन से लेकर के आज तक हमने छुट्टी की छुट्टी कर रखी है। छुट्टी की छुट्टी आप लोग भी कर सकते हो, एक दिन भी छुट्टी ना हो तो बोले आज तो छुट्टी के दिन भी काम करना पड़ रहा है। अच्छा बताओ आप लोगों का तो फिर भी भाई कोई जिम्मेदारी होगी, शादीशुदा हैं ज्यादातर, जिनकी नहीं हुई है भगवान करे उनकी जल्दी हो जाए, तो आपको तो चलो फिर भी माता पिता घर परिवार कुछ संभालना होगा। यहां तो कुछ भी नहीं, फिर भी 8 घंटे नहीं 12 घंटा नहीं 18 घंटा, और रात को ही, पहली बात तो सपने आने को सपनों को ही फुर्सत नहीं और यदि कभी सपना भी आता होगा तो कर्म करने का सेवा करने का आता होगा। हमने एक दिन भी विश्राम नहीं किया, उसका परिणाम है आज पतंजलि का विश्वव्यापी विस्तार। एक दिन भी विश्राम नहीं किया, नहीं तो बहुत से हरिद्वार में बाबा है, ज्यादा तो बोलूंगा नहीं क्योंकि बिरादरी की बात है, साधुओं की बिरादरी है ये भी, नहीं तो बहुत से बाबाओं के पेट हो जिसको देखो कोई भी बाबा सीधा चलता नहीं दिखेगा आपको, ऐसे ही चलता दिखेगा, मोटे मोटे पेट लेके मस्टंडे पड़े हुए हैं तो भाई। और बहुत से लोग सुबह से शाम तक भंडारा खाने से फुर्सत नहीं, एक दूसरे की चुगली करने से फुर्सत नहीं। हमने कभी किसी की निंदा नहीं की, किसी का सहयोग किया हो तो अलग बात है, किसी का असहयोग नहीं किया, बस अपने लक्ष्य के अलावा अपने गोल के अलावा अपने टारगेट के अलावा और कुछ देखा नहीं। इसलिए आज पतंजलि का इतना ये विस्तार हुआ और इसमें आप सब ने बहुत तप किया है, अलग अलग भाई बहनों ने, और इसमें तप किया है पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी ने जो हमारे बीच आ चुके हैं, एक बार उनका भी आगमन से पूर्व ही बहुत बहुत अभिनंदन है, और वो धीरे धीरे मुस्कुराते हमारी तरफ आ रहे हैं शॉर्टकट से तो एक बार जोरदार अभिनंदन पूज्य आचार्य जी का। आइए आचार्य श्री, पहले ताली बजा दी फिर बजा दो, इसमें क्या दिक्कत है? और आप में से ज्यादातर जवान हैं, वैसे बुढ़े तो हम भी ना हो या अभी। पूज्य आचार्य जी सुबह बता रहे थे जब ट्रस्ट की स्थापना हुई उस समय आचार्य जी की लगभग 21-22 साल की उम्र थी। जब 21-22 वर्ष की उम्र से यह अनुष्ठान शुरू किया तब से लेकर के आज तक
बस लगातार इस पुरुषार्थ में, इस परमार्थ में, इस सेवा में रात दिन लगे रहते हैं। और आज पूरे देश में अपने पतंजलि के अलग अलग संकल्पों से लेकर के ये जो पूरा तंत्र है, इसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष रूप से पतंजलि ने लोगों को स्वावलंबन दिया, समृद्धि दी, सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने का हक दिया और करीब 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को अपने साथ जोड़ा। ये किसी भी साधु सन्यासी आचार्य और किसी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संस्था के द्वारा हिंदुस्तान में पहली बार इतना बड़ा प्रयास इस धरती पर किया गया जिसका नाम पतंजलि। और आज आप लोगों ने भी, मैं इतना कहूंगा, इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कुछ 100% पूरी ईमानदारी से पूरी मेहनत कर रहे हैं कि ये पतंजलि हमारा परिवार है, पतंजलि को आगे बढ़ाना हमारा धर्म है, यह हमारा स्वाभिमान है, यह हमारे आत्मसम्मान से, राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ा हुआ काम है और इसको हमें आगे बढ़ाना, इस संकल्प के साथ लगे हुए। कुछ थोड़े मध्यम हैं और कुछ थोड़े ढीले हैं, तो जिन्होंने 100% प्रामाणिकता के साथ काम किया, सबसे पहले तो उन सब का अभिनंदन है कि जिसकी वजह से आज ये आंदोलन इतने बड़े स्वरूप में राष्ट्र और विश्व में प्रतिष्ठापित हुआ। जो थोड़े मध्यम और सामान्य हैं, उनके लिए भी आज प्रभु से प्रार्थना कि उनके अंदर भी इतना ओज भर दे भगवान, इतना तेज भर दे, इतनी शक्ति, इतना शौर्य, इतना पराक्रम, पुरुषार्थ भर दे कि वो भी, जो थोड़े मध्यम हैं या सामान्य हैं, वो भी प्रथम कोटि के हो जाए। आप लोगों को पता है अभी एक पूरे देश में 11,000 से ज्यादा ब्रांड्स के ऊपर एक रिसर्च हुआ, उसको जो है पूरे देश में उसके लिए पूरे 62 से ज्यादा उनके पैरामीटर हैं, ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट ऐसा करके कोई एजेंसी है, तो उसने 11,000 से ज्यादा, पूरे इसमें यूनिलीवर भी आ गया, लक्स, लाइफबॉय, डॉव, फेयर एंड लवली और सब कुछ आ गया इसके अंदर, इसके अंदर कोलगेट भी आ गया, इसके अंदर सारे पेप्सोडेंट भी आ गया, सारे टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू सब कुछ आ गया, खाने पीने की चीजें सब कुछ, इन सब में 11,000 से ज्यादा ब्रांड्स में पतंजलि को मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ने, मैंने सबसे भरोसेमंद, सबसे विश्वसनीय नंबर 1 ब्रांड का दर्जा दिया। ये क्या है? ये एक ताकत है विश्वास की, ताकत है ईमानदारी की और जीत है ये सत्य की। सत्यमेव जयते, शास्त्रों में तो पढ़ा था, ये इतनी बात नहीं, आज दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, पतंजलि जी इन क्षेत्रों में वहां नंबर 1 है। देखो किसी भी फील्ड में नंबर 1 होना, कुश्ती में नंबर होना, खेल में, कबड्डी में, पढ़ने में, पढ़ाई में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, किसी भी फील्ड में नंबर 1 होना बहुत बड़ी बात होती है। आज अपनी संस्थाएं पतंजलि परिवार पूरी दुनिया में योग के क्षेत्र में यदि नंबर 1 संस्था है तो वो अपनी पतंजलि है, इसके ऊपर आपको गौरव होना चाहिए। आयुर्वेद में कोई दुनिया में नंबर 1 है तो पतंजलि है, नेचुरोपैथ में यदि कोई नंबर 1 है तो पतंजलि है, और पूरे इस FMCG ब्रांड में है तो वो पतंजलि, और अपने देश धर्म और संस्कृति की रक्षा करने में यदि कोई देश में अग्रणी संस्था है तो वह पतंजलि है और उसके आप सदस्य हैं, इसके लिए आपको गौरव होना चाहिए। देश को आर्थिक और सांस्कृतिक आजादी दिलाने का यह अभियान कि ये साधारण काम नहीं है, मात्र कुछ प्रोडक्ट बनाना हमारा मकसद नहीं है, इस देश को बनाना हमारा मकसद है, नेशन बिल्डिंग ये हमारा गोल है, ये हमारा लक्ष्य और ध्येय है। इसके लिए कितने हजारों हजारों भाई बहन काम कर रहे हैं और इसमें सब वर्ग के लोग हैं। वैसे तो मैं बोलता हूं सारे वर्णाश्रम धर्म हमारे भीतर है, जो अज्ञान को दूर करे वो ब्राह्मण, क्या बोला, जो अज्ञान को दूर करे वो, जो अन्याय को दूर करे वो, जोर से बोलो, और जो अभाव को दूर करे वो वैश्य, और जो अपवित्रता को दूर करे वो शूद्र। अपवित्र नहीं होता है, अपवित्रता को दूर करने वाला शुचि शुद्ध वो, उसको शूद्र या सेवक समाज का है। तो भैया हम तो ब्राह्मण भी हैं, हम क्षत्रिय भी हैं, हम वैश्य भी हैं और शूद्र बनकर के इस देश की सेवक बनकर के इस देश की सेवा करने में लगे हुए हैं, और यहां पर भी सारे समाज के लोग
एक बार सबका अभिनंदन है। और पतंजलि में कोई भेदभाव पक्षपात नहीं, कोई जाति का, कोई मजहब का, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं। और इससे भी बड़ी बात, एक तो ये जातियों में बटा हुआ था देश, फिर मजहबों में, फिर कैसी कैसी जाति प्रथा, फिर दहेज प्रथा। वैसे ये कुछ बीमारियां तो अभी भी देश से निकलने बाकी है। फिर अलग अलग प्रकार की रूढ़िवादी प्रथाएं। वैसे पतंजलि के जितने भी लोग हैं उनको दहेज लेने देने वाला भी काम नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसी बीमारी हो रखी है समाज में। मतलब दोनों तरफ से कार्यक्रम चलता है, अपना लड़का ब्याहना हो तो उसकी बोली लगाते हैं, और जब लड़की ब्याहनी हो तब बोली चुकाते भी हैं। दोनों तरफ से कार्यक्रम रहता है। पतंजलि ने कभी भी इनको प्रथाओं का समर्थन नहीं किया। कितना ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास, कोई शनि, कोई राहु, कोई केतु, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई डाकिनी, कोई पिशाचिनी, पता नहीं हिरिम हनीम कुलिम चामुंडाई विच्चई पुट्टई चुट्टई, पता नहीं क्या क्या चक्करों में पड़े रहते हैं। तो पतंजलि कभी भी कोई किसी ढोंग आडंबर पाखंड को नहीं मानते। हम लोग अपने कर्म को अपना धर्म मानते हैं, और भगवान अपना ऊपर है ना भाई, सबको देखने वाला, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बाका होता उसका जिसका रक्षक दया निधान। जब भगवान हमारा साथी है तो फिर किस बात का डर। तो हम इस सिद्धांत पर चले, और आज पतंजलि फूड पार्क जहां जिस परिसर में हम लोग बैठे हैं, अभी तो जो है इसकी पूरी दीवारें चारों तरफ और बढ़ गई। जब शुरू किया था तब वो छोटा था, अब तो करीब 150 एकड़ से भी ज्यादा में ये परिसर फैल चुका है। और आपको गर्व होना चाहिए, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूड पार्क है तो वो भी अपना पतंजलि फूड पार्क है। शुरू में तो मुझे ही नहीं पता था कि पदार्था क्या है। लोग सोचते हैं पतंजलि फूड पार्क पदार्था माने पदार्थ बनते होंगे, ये बहुत कम लोगों को बताया गाँव का नाम पदार्था है। और हमने इसमें कोई ये सोचा ही नहीं कभी कि ये इसमें कितने हिंदू हैं कितने मुसलमान हैं। यहाँ मुस्लिम बहुल आबादी वाला गांव है, और इसमें भी तो अच्छे लोग हैं, वो तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। और कुछ जो खुरापाती हैं, भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे। हम तो कभी किसी के बारे में गलत सोचते ही नहीं, एक ही बात हमारे जिहान में है, हमें अच्छा करना है। देखो पतंजलि से दो आदमी बड़े नफरत करते हैं, एक तो जिनके खून में गद्दारी है, गद्दारी समझते हो ना, देशद्रोह शुरू से आदिकाल सैकड़ों हजारों सालों से देख लो कुछ देश में गद्दार हमेशा रहे। जिनके खून में एक तो गद्दारी है, दूसरा जो गद्दार है, और दूसरे जो विदेशी कंपनियों के वफादार हैं। कुछ लोगों को विदेशी कंपनियां जो है ना 1, 2, 5, 10 लाख रुपए तक महीने के देती हैं, और उनसे पतंजलि के खिलाफ अभियान चलाते हैं। कोई सोशल मीडिया पर लगा है, कोई और इधर उधर बकवास करने में लगा है, कोई और तमाम तरह के षड्यंत्र हैं। ज्यादा हम उस बारे में आज बोलेंगे नहीं, लेकिन जो जिनके जो गद्दार हैं और जो विदेशी कंपनियों के वफादार हैं, उनको छोड़ करके आज 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी पतंजलि से प्यार करते हैं, ये हमारी ताकत। भाई आज यदि पतंजलि आगे बढ़ाए तो कितने लोगों के जीवन में खुशहाली लेकर के आया है। और हमने अभी तक 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा चैरिटी के काम किए हैं, एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में, रिसर्च में, गोमाता की सेवा में, अलग अलग तरह से कितने संस्था, कितने कितने संगठनों के माध्यम से पूरे देश में आज अपने 7 तो संगठन काम करते हैं पूरे देश के अंदर। फिर कितनी संस्थाएं आज लगभग कुछ प्रांतों में तो संस्थाएं बन गई हैं, और लगभग 5 वर्षों में भारत के लगभग प्रत्येक प्रांत में पतंजलि की बड़ी संस्थाएं बन रही हैं और बनने वाली हैं। यह है पतंजलि की ताकत। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, अभी कहां गुजरात में भी चल रहा है कार्यक्रम, शुरू हो जाएगा जल्दी महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटक में भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, उधर केरल में, तमिलनाडु में, झारखंड में, उड़ीसा में, असम में, नॉर्थ ईस्ट में, चारों तरफ। अभी हरियाणा में भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, NCR में भी, चारों तरफ देश में, कि चारों तरफ कुछ बड़ा काम करना है। लोग अपने लिए और अपनों के लिए सोचते हैं,
और हम सोचते हैं कि हम 125 करोड़ के हिंदुस्तान के लिए और आने वाली अपनी पीढ़ियों के लिए जो हम करके जा सकते हैं वो करके जाएंगे। बस एक ही संकल्प है, देश के लिए कुछ करना है, देशवासियों के लिए कुछ करना है, अपने धर्म और संस्कृति के लिए कुछ करना है। और यूं पैदा हुए और रोटी खाई, 2-4 बच्चे पैदा हो गए और मर गए, ये तो पशुओं में भी होता है, इसमें क्या खास बात है? अरे बल्कि हमसे ज्यादा ठाठ में रहते हैं, चींटी से लेकर के जो कणभर खाती और हाथी जो मन भर खाता उनका भी पेट भर जाता है और वो भी बच्चे पैदा करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है कि हॉस्पिटल में भी नहीं जाना पड़ता है, ना किसी को बीपी, ना किसी को शुगर, ना किसी को कोई बीमारी और खूब आराम से जी रहे। इसलिए आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर नारायणम धर्मो हितेशम अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशु भी समाना। जिसमें धर्म नहीं हो तो पशुओं से भी गया बीता। और हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमारी जिंदगी का क्या होगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, नाहारम चिंतयेत प्राज्यो धर्मम एकम ही चिंतयेत आहारो ही मनुष्याणाम जन्मना सहजायते। अरे भाई, जिसको भगवान ने जन्म दिया है उसको जीवन तो परमात्मा देता है, उसको खाने पीने जीवन की बसर के लिए तो परमात्मा देता है। एक आदमी की रिक्वायरमेंट कितनी है? पहनने के लिए 2 कपड़े, जीने के लिए 2 गज जमीन और 2 रोटी खाने को, ये तो सबको मिलती है ना। तो इससे आगे हमें कुछ करना है। अब इन लगभग पिछले 23 से 25 सालों में तो जो कुछ किया है सो किया ही है, आने वाले 5, 10, 25 हमारा संकल्प तो ऐसा है कि कम से कम 50 साल से ज्यादा और ऐसे ही इस देश में कुछ बड़ा काम करते रहेंगे आगे, और उससे इस देश को कितनी ऊंचाई मिलेगी, कितना शिखर आरोहण मिलेगा। पतंजलि ने जिस तरह से काम किया उस तरह से इस देश में मात्र 100 संस्थाएं खड़ी हो जाएं, मात्र 100, 125 करोड़ का हिंदुस्तान है और हम भी तो एक अनपढ़ माँ बाप के घर से पढ़ करके यहां पर आए हैं।